एथर इंडिया के सबसे पॉपुलर ब्रांड में से एक है और पिछली बार इन्होंने काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। एंड नाउ ये अब कंफर्म हो चुका है कि एथर 500X 2024 एडिशन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। ये कुछ डिजाइन इमेजेस है, इससे इस स्कूटर के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस स्कूटर का व्हील बेस 1295 mm का होगा, लेंथ 1895 mm की होगी, वेट 660 mm की है और हाइट 1110 mm की होगी। देखा जाए तो स्कूटर का डिजाइन काफी मिनिमलिस्टिक एंड स्टाइलिश है, जो कि बिल्ड है राइडर को एक कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट राइडिंग एक्सपीरियंस करवाने के लिए। स्कूटर 100% LED है, इसमें अलॉयज देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल एथर 500X EV स्कूटर आपको 4 नए कलर वेरिएंट के साथ ऑफर की जाएगी। इट्स मीन ब्लू, ब्लैक, ग्रे एंड मिडनाइट ब्लैक। एनीवे फीचर्स की बात करें तो इसमें काफी वैल्यूएबल फीचर्स दिखाई देते हैं, लाइक गूगल असिस्टेंस, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, फेस आईडी एंड गूगल वॉइस कमांड, और साथ में 256-bit डिजिटल एन्क्रिप्शन भी है। मतलब एक स्मार्टफोन के सिक्योरिटी सिस्टम को इन्होंने एक लार्ज स्केल पर डाल दिया है, तो नो डाउट सेफ्टी के मामले में स्कूटर काफी बेहतरीन है। स्कूटर में आपको मल्टीपल सेंसर्स मिल जाएंगे विद 8.3 inches टच स्क्रीन डिस्प्ले पैनल, जिस पर आप स्कूटर से रिलेटेड थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही में वाईफाई, ब्लूटूथ और हेड टू हेड नेविगेशन सिस्टम भी है और डेस्क कैमरा भी इनबिल्ट किया गया है, जिसके हेल्प से स्कूटर के आसपास होने वाली गतिविधियां आप अपने स्मार्टफोन में भी देख सकते हैं। तो नो डाउट एथर ने सीवी स्कूटर को सिक्योरिटी के मामले में एडवांस किया है। नाउ स्कूटर के ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। इट्स मीन बोथ ABS ब्रेकिंग सिस्टम एंड मैक्स M627 ट्यूबलेस टायर कॉम्बिनेशन राइडर को एक सेफ राइडिंग की गारंटी देता है। साथ ही में इसके यूरो व्हील स्टेबिलिटी को एनहांस करते हैं। स्कूटर में दो बैटरी होने के बावजूद भी अच्छा खासा सस्पिशियस स्टोरेज मिल जाता है। बेसिकली ये 35 L का बूट बेस होगा, जो कि डुअल स्वाइपिंग बैटरीज के साथ आता है। ये लिथियम आयन बैटरीज है और अच्छी बात यह है कि ये स्वाइपिंग फीचर्स के साथ आती है, जिनको आप इजीली विद इन 1 मिनट किसी भी यूनिवर्सल चार्जिंग स्टेशन पे जाके स्वाइप कर सकते हो। सिंगल चार्ज ये स्कूटर आपको 350 किलोमीटर की IDC रेंज ऑफर करती है। ये एक अच्छी चीज होने वाली है उन यूजर्स के लिए जो कि लॉन्ग रेंज EV स्कूटर परचेज करने के बारे में सोच रहे थे। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 125cc इलेक्ट्रिक इंजन मिल जाता है, जो कि 7.2 किलोवाट पर आवर पावर जनरेट करता है। बेसिकली ये एडवांस 11 जनरेशन 4 EV स्कूटर मोटर होगी, जो कि स्पेशली कस्टमाइज है एथर 500X के लिए, जिससे स्कूटर का टॉर्क लगभग 48 Nm व्हील होगा। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि स्कूटर की टॉप स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर की होगी एंड 0-40 एक्सेलरेशन विद इन 3.3 सेकंड का ही होगा। ये स्कूटर 4 नए राइडिंग मोड्स के साथ लॉन्च होगी, यानी कि वार्म, वाइब, इको एंड स्पोर्ट मोड। फाइनली प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो इसके बेस मॉडल की कीमत लगभग 72,000 rupees के आसपास होने वाली है। हैंस किस तरह से इस स्कूटर को आप प्री बुक कर सकते हो एंड स्कूटर की एग्जैक्ट लॉन्च डेट क्या है, क्यों ना हम नेक्स्ट में डिस्कस करें। और एक बात बताना तो मैं भूल गया कि इस स्कूटर को कॉम्पीट करने के लिए ना ओला भी अपना एक नया स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। सो कौन सा है वो नया स्कूटर और क्या उसमें फीचर्स है, क्यों ना हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पीस, बाय बाय।